अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फिज़ा और आप देख रहे हैं फिज़ा इस व्लॉग। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गांव के शादी में क्या होता है कि जब दूल्हा निकलने लगता है तो उस वक्त कौन कौन सी रस्में की जाती हैं। तो ये दूल्हा बैठा था, इसके जो रिश्तेदार हैं वो आ रहे हैं और उसको हार पहना रहे हैं, और ये हार पैसों वाले होते हैं, इसके ऊपर पैसे लगे होते हैं। वो आगे डिपेंड करता है देने वाले पे कि वो कौन सा दे रहा है। 100 वाले भी होते हैं, 500 वाले भी होते हैं, 1000 वाले भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा है। तो ये देखें, ये इसकी अम्मी पीछे खड़ी हैं और अब्बू इसके हैं नहीं क्योंकि बचपन में ही फौत हो गए थे। तो देखें, लोग जो हैं वो कुछ हार पहना रहे हैं, कुछ जो हैं ये इसके ऊपर से पैसे दे रहे हैं। इनको कहते हैं वेलें, वेलें देना। और जो है ये जो ये औरत खड़ी है, ये हमारे गाँव के नाई हैं, तो ये ऊपर से जो वेलें हैं वो पकड़ रही है, पैसे पकड़ रही है। तो देखें, दूल्हे को हारों से लाद देते हैं। पहले तो ये होता था कि एक सहरा भी पहनाते थे, शुक्र है कि अब वो नहीं पहनाते, उससे बिल्कुल जो दूल्हा है उसका चेहरा ढक जाता था। और भी कई फजूल रसूमात थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। देखें, अब जो दूल्हा है उसको कुल्हा पहनाएंगे और उसके बाद फिर जो बारात है वो रेडी है निकलने के लिए। सारे लोग आएंगे, दूल्हा आगे होगा, उससे आगे ढोल होगा और ढोल के साथ जो है वो दुल्हन के घर पहुंचेंगे, क्योंकि दुल्हन का घर करीब ही है, तो ये बारात जो है ये पैदल जाएगी। दम बोया तू Thank you।